पर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट, तो यहाँ पर हम इसको कैसे चेक करने वाले हैं, इस पर बात करने वाले हैं। तो सम दूसरा रहेगा, दिस इज द सम ऑफ सीरीज, ठीक, एंड दूसरा nth टर्म ऑफ सीरीज। कोई कन्फ्यूजन ना हो, इन दोनों को लेकर के हम देखेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो हम पहले कंसिडर कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, बहुत ही बारीक से समझिएगा, लेट यू वन यू टू यू थ्री अप टू यू एन बी और गिवन सीरीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी ये गिवन सीरीज है हमारे पास, जो कुछ रूल्स की बात यहां पे होगी। लेट एस एन बी ए सम ऑफ सीरीज, ठीक है, इसका जो है सम ऑफ सीरीज है, या एंथ टर्म ऑफ सीरीज कह सकते हो, या एंड टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है, समझिएगा। एस एन बी ए सम ऑफ सीरीज मतलब एस एन इज इक्वल टू, एस एन इक्वल टू क्या है, यू वन प्लस यू टू अप टू यू एन। ये एस एन की बात जब हमेशा ध्यान में जब आपको रखना है, ये क्या है आपका सम है, ठीक है, क्या है ये आपका सम, दैट इज अ सीरीज का सम है। तो अब अगर यह कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होता है तो उसकी दो कंडीशन हमारे पास हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस के लिए क्या कहते हैं हम, कि अगर यह कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस, तो लिमिट हम लगाते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू फाइनाइट, ध्यान रखिएगा। और डाइवर्जेंस होगा तो क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एस एन इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। ऐसी कंडीशंस यदि मिल रही है तो हम इसको कहते हैं कि ये कन्वर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आगे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है उसकी बात हम करते हैं। ये सम है, एस एन क्या हमारा है, सम ऑफ सीरीज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ ये सीरीज है, ध्यान रखिएगा एस एन के बारे में हमें सम ऑफ सीरीज है। लेकिन अब यही काम यदि एन एन पे करते हैं, ठीक है, कौन से पे, एन पर, मतलब nth टर्म्स, सेलेक्ट nth टर्म ऑफ सीरीज इज इक्वल टू क्या है, यू एन, ठीक। अब यू एन है तो अब अगर कन्वर्जेंस की कंडीशन तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, बट डाइवर्जेंस की कंडीशन फिक्स है कि अगर यह डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा तो क्या रूल्स होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा मिलता है तो हम क्या कह देते हैं कि यह डाइवर्जेंस की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ये ध्यान से रखना है आपको, बहुत ही बारीक से समझिएगा कि कन्वर्जेंस जब सम पे फाइनाइट मिलता है और इनफाइनाइट मिलता है तो दैट इज अ डाइवर्जेंस। लेकिन यहाँ पे nth टर्म्स की बात है, nth टर्म्स ऑफ द सीरीज यू एन, यू एन nth टर्म्स है, तो ये डाइवर्जेंस कब होता है, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशंस, तब ये मिल जाता है। तो ये एक बेसिक रूल आपको समझना होगा इन दोनों में, कि सम पर हम कैसे अप्लाई करेंगे और फिर डाइवर्जेंस अगर है तो उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। ये आने वाले हम लेक्चर्स में कंटिन्यू करके समझने का एक प्रयास करने वाले हैं कि इनको हम कैसे चेकआउट करके एग्जामिन करके देखेंगे कि सीरीज जो हमारी दी है वो कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, या एनी अदर थिंग्स। तो बहुत ही लॉजिकल है ये सारे पॉइंट और क्वेश्चंस जिनको कि आप कंटिन्यू करेंगे अभी, तो बहुत ही फंडामेंटल रहेगा वर्कआउट, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन को समझना और उनको सिंप्लीफाई करके अरेंज करना, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है, ठीक है। दूसरा, अब जो एक और रूल्स हमारे पास हैं कि यदि सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ, ये तो आपका पहले पॉइंट्स में निपट गया, जैसे दूसरा पॉइंट्स में हमारा होता है कि यदि इफ यू एन इज कन्वर्ज,
converges, then, तब, limit n tending to infinity un equal to zero. अब rules में समझिए, यदि यह converge है, यहाँ पे क्या कर रहा है? Converge, then this is possible, but reverse process या converse process ठीक है, जो हमारा कन्वर्ज इसका है, द कन्वर्ज प्रोसेस मे नॉट बी ट्रू, द कन्वर्स जो है मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों के लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, जैसे अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर. जैसे हमने मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर एक सीरीज हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली कि 1+1/2+1/2^3 up to infinite. सो ये किस में हमारा है? इन जीपी में है. तो जीपी में अगर हम Sn की बात कर लें या S की सम की बात कर लें, सम की बात करेंगे तो a अपॉन 1-r होता है सिंपली r. तो दिस इज द 1/1-1/2 सीरीज हो जाएगी इज 2. सो दैट इज द फाइनाइट हो गया. तो अगर हम इस पे लिमिट लगा दें, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सम है, सम ठीक है, तो ये जो सम की बात हम कर लें तो ये क्या मिलेगा हमें? 2 मिल जाएगा, दैट इज द फाइनाइट. ठीक है, तो दैट इज द अब फाइनाइट सम की बात हुई है तो ये क्या होगा आपका? कन्वर्जेंस. ठीक, या फिर Sn अगर आप इसमें Sn की बात करते हैं तो Sn देखो क्या होता है, a इंटू 1-, ठीक है, r रेस्ट टू n अपॉन 1-r. इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हो आप. तो अब इसको अगर हम इस तरह से चेक करना चाहते हैं, a हमारा 1 है, 1-1/2, ध्यान रखिएगा 1/2 n अपॉन 1-1/2, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 2-1, मतलब ये आ जाएगा 2 (1-1/2)n. ये क्या हुआ? Sn. अब Sn जैसे सम की बात हो गई तो अब लिमिट हम फिर से यहाँ पे लगा ले, सिंपली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 2 लिमिट n tending to infinity is 1-1/2 is equal to 2. So that is finite. Finite के cases में हम कहेंगे ये convergence. ठीक है, ये convergence हो गया. Sum की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, sum से हुआ. दूसरा तरीका ये कि अब जैसे मान लीजिए दूसरा questions को ले लेते हैं, हम कहते हैं कि 1+2+3 up to n और फिर डॉट डॉट. तो पहले तो हमें सम की बात करनी है, Sn की बात करनी है. Sn इज इक्वल टू क्या होगा? 1+2+3 up to n, सम ऑफ नेचुरल नंबर. तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n(n+1/2), ये नेचुरल नंबर हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. और यहाँ पे अगर हम लिमिट को लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये n और n+1/2, सो दैट वी गेट इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट मिला तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं. ये देखिए Sn जो मिल गया है, सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, ये है n टर्म ऑफ सीरीज और सम ऑफ सीरीज दिस ईयर. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिससे कि हम इन दोनों को प्रूफ कर पाए. अब इसी तरह अगर डाइवर्जेंस की कंडीशंस को अगर हमें चेक करना है किसी प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात यहाँ पर कर सकते हैं. nth टर्म्स यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है जिसको हम मॉडिफाई करके करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझिएगा और एक एक करके करने की कोशिश करिए कि जिससे कि रिजल्ट और आपका बेटर हो सके.
तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास अगर कोई क्वेश्चंस हो जाए इस तरह का, 1/4 मान लीजिए अंडर रूट प्लस सीरीज है ये 2/6 प्लस अप टू जो होगा एन अपॉन टू एन प्लस वन अंडर रूट, तो हमें एग्जामिन करना है कि ये डाइवर्जेंस है कन्वर्जेंस है क्या है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस तो थोड़ा चेक करना कठिन कार्य है, लेकिन हम डाइवर्जेंस की बात आसानी से कर सकते हैं। ये आपका क्या है, यूएन है, तो यूएन इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट में दिया हुआ है एन अपॉन टू एन प्लस वन। ठीक, तो चूंकि अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, आप एन से डिनोमिनेटर में भाग दे दीजिए, तो टू वन प्लस वन बाई एन इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटीज यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू वन प्लस वन बाई एन। ठीक है, टोटल है, सो अप्लाई लिमिट, सो वन अपॉन रूट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट इज द डाइवर्जेंस। ये ध्यान रखना है कि जब एन टर्म पे हम चेक करेंगे तो हमें कैसे चेक करना है, और उसके बाद फिर एसन सम पे चेक करेंगे तो क्या करना है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। और आगे आ करके हम कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे, सम के साथ भी उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, और फिर इन जनरल जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी लेकर के हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चंस को लिया था, देखिए अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करके अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चंस लिया था, एक क्वेश्चंस हमने लिया था अभी 1+2+3+up to n up to समथिंग। तो जैसे इसका एस एन हमने निकाला, एस एन क्या निकला, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक, आपने इसमें लिमिट लगा दी, लिमिट क्या लगा दिया, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, तो हमें क्या मिला, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन एन प्लस वन बाई टू, सो वी गेट इन्फाइनाइट मतलब डाइवर्जेंस। ठीक, अब मान लीजिए, अब ये जो सीक्वेंस है ये, तो ये हमारा क्या है, यू एन, तो यू एन इज इक्वल टू एन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज एन, सो इनफाइनाइट नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस। तो ये एक रिजल्ट है, इसी इन सब रिजल्ट का यूज करके हम आगे सभी पार्ट को इसको कर लेंगे। अब एक एक करके और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे पॉइंट पर जो कि हमारे रूल से स्टार्ट होगा। सो टेक केयर, थैंक यू।